तो एक जिस तरह से एक मृत्यु के सामने उसको देकर जान दे दिया या कोई मृत को अमृत पिला दिया जाए, इस तरह की ये भूमि थी पहले तो कुछ नहीं था, मरे या असंभव थे, कोई यहाँ पे कोई उपजाऊ चीज नहीं होती थी, कुछ नहीं। इस समय नवाड़ के ये ट्यूबवेल से हरियाली आ गई। ये बात है 70 के दशक के अंत की, जब हमारे नीति निर्माताओं ने पाया कि देश में कृषि का आधुनिकीकरण तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, छोटे व मझोले किसान खेती की उन्नत तकनीकों को नहीं अपना पा रहे। तब कृषि ऋण को सुगम व सर्व सुलभ बनाने के लिए संसद के विशेष कानून द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई और 5 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। 100 करोड़ की पूंजी से शुरू हुआ नाबार्ड आज 4,700 करोड़ की पेड अप कैपिटल को पार कर चुका है। 1982-83 में 4,519 करोड़ से शुरुआत करके नाबार्ड आज 2014-15 में 2,84,000 करोड़ की बैलेंस शीट पर पहुंच गया है। 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 400 जिला कार्यालयों के द्वारा ये पहुंचता है देश के सभी अंचलों, सुदूर और दुर्गम इलाकों तक। आज नाबार्ड किसानों के साथ साथ दस्तकारों, शिल्पकारों, उद्यमियों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्ग को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड समय समय पर नई परियोजनाएं ले आया है, जैसे कि किसान क्लब, जिला कार्यालय, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण संरचना विकास फंड, जल संचयन विकास, किसान क्रेडिट कार्ड, नैपकॉन्स, आदिवासी विकास वाडी प्रोजेक्ट, ग्रामीण नवोन्मेष फंड, संयुक्त देयता समूह, UPNRM, वित्तीय समावेशन, श्री नीडा, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन इत्यादि। ग्रामीण भारत तक ऋण पहुंचाने के लिए नाबार्ड बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंकों का सतत निरीक्षण व समन्वय करते हुए नाबार्ड उनके सुचारू संचालन में मदद करता है। नाबार्ड की इस अनूठी यात्रा का एक विशिष्ट हिस्सा है नाबार्ड उत्तर प्रदेश। यह अपने लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय और 49 जिलों में कार्यरत जिला कार्यालयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रगति में निभा रहा है एक बड़ी भूमिका। ये पहल विस्तार लेती है प्रदेश के खेत खलिहान, चौपाल और बाजारों में। आज किसान क्रेडिट कार्ड से मिल रहा आसान ऋण, जिससे खेती बन रही उत्तम और आधुनिक, किसान क्लब भर रहा किसानों में नया जोश, संयुक्त देयता समूह से बटाई पर काम करने वाले किसान बढ़ा रहे अपनी आमदनी। हम लोग मशरूम ज्यादा दिन से कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड की सहायता से हम लोगों को देयता समूह बना के जो है लोन मिला। लोन के जरिए हम लोग जितना करते थे उससे अब ज़्यादा कर रहे हैं और हम लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। नाबार्ड से मुझे पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत ये लोन दिया गया। आज इस मुर्गी फार्म में जो मेरे 10,000 बट की कैपेसिटी, उसकी वजह से मेरी मार्केट में हिस्सेदारी 10% की है। पेड़ है प्राणन के आधार, नाबार्ड की यही पुकार, भैया हरे पेड़ जिन काटो, पेड़ है प्राणन के आधार। कल तक मजदूरी करके गुजारा करने वाले सहरिया आज आदिवासी विकास योजना से जुड़कर लगा रहे अपने बाग। पहले हम और बाहर जाते थे, गेहूं काट भी जाते बाहर, और पुरुष लोग हैं तो खदान मदान कराते, पत्थर का काम कराते। अब जब इसने जो बगीचा लगा है बागवानी, तो हम और इतना ही रहते हैं और इतना ही देखते हैं। नाबार्ड ने वित्तीय साक्षरता व वित्तीय समावेशन के लिए कई कदम उठाए हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में
सक्रिय सहयोग कर रहा है। आज समूह से जुड़ी महिलाएं बैंक सखी के माध्यम से पूर्ण वित्तीय समावेशन को अमल तक पहुंचा रही गांव में। बैंक सखी के आने से हमारे गांव में काफ़ी बदलाव हुआ है। हम चाहे तो छोटा छोटा पैसा करके काफ़ी इकट्ठा कर सकते हैं। फायदा यही है कि जब मौका लगे, रात हो दिन हो या कितो समय हो, निकाल लो पैसा और जब पैसा हो तो जमा कर दो। ग्रामीण नवोन्मेष फंड से किसान बना रहे जैविक खाद, किसान तकनीक हस्तांतरण फंड से किसान अपना रहे नई फसलें, उत्पादक संगठन बनाकर लोग उगा रहे सब्जियां बड़े बाजार के लिए, ग्रामीण सूचना केंद्र पहुंचा रहा नई जानकारी काश्तकार तक। वर्तमान में ग्रामीण सूचना केंद्र 40,000 किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां, मंडी के रेट, सरकारी योजनाओं की जानकारियां, युवाओं की रोजगार संबंधी जानकारियां हिंदी में SMS के माध्यम से पहुंचा रहा है। जहां बकरी बैंक दे रहा रोजगार घर के दालान में, वही रूपे किसान कार्ड से किसान जब चाहे अपनी जरूरत के मुताबिक माइक्रो ATM से पैसा निकाल या जमा कर रहे। किसान अपना पैसा कहीं से भी कोई सी ATM से भी निकाल सकता है, समिति या बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आज नाबार्ड के सहयोग से बन रहे गोडाउन ग्रामीण आधारभूत संरचना फंड से नाबार्ड दे रहा ऋण राज्य सरकार को, जिससे बन रहे पुल, सड़कें और बांध। ये तालाब नाबार्ड से बना है, वे ऐसा काम करा है कि हम गरीबों के लिए जो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि यहाँ एक ही फसल में हम लोग काम करते थे और फसल नहीं होती थी तो यहाँ पे खदान में मजदूरी करना पड़ती थी, पर इस पानी से जरिए हम लोग दो फसल पैदा कर सकते हैं। वो अपना उसमें साल भर का अपनी व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, खर्च की भी उसमें हम ला सकते हैं। बांध के बनने से यहाँ रोजगार भी मिला है, सिंचाई भी होगी, लोग गर्मियों में धंधा कर सकते हैं, चिमड़ी वगैरह का, तरबूज का। नाबार्ड के द्वारा ये गाँव गोद लिया गया है और उसके तहत जो काम कभी भी संभव नहीं था वो काम यहाँ पे ये पंपिंग सेट लगाया गया, ट्यूबवेल लगाया गया। जब से ये पानी की सुविधा हो गई हम एक ही उपज ले पाते थे, और वो भी अगर हो गया तो ठीक, ना हो गया तो ठीक। तो आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो रही है, हमारे हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज नाबार्ड की स्वयं सहायता समूह योजना से जुड़कर लाखों महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, वो तोड़ रही हैं बंधन, बना रही हैं नया समाज। संगठन की ताकत भरता है उनमें आत्मविश्वास, वो तैयार है छूने के लिए नए लक्ष्य, नए आसमां। हमें जैविक खाद बनावे को मौका मिल गाओ के हम क्या उनसे कर्जा ले भी नहीं जात है, और कोई परेशान है हम महलों में तो उनसे कह दे तो सब जुड़ के अपने उनको कर्जा भी दे सकत। अगरबत्ती बनाते हैं का तनख्वाह 3,000 तक हो जाती है चा, तो बच्चों को ट्यूशन लगा ले, मैं ट्यूशन नहीं लगाते थे, अब ट्यूशन जाने लगे हैं। बहुत बदलाव है, अब सभी लोग मतलब कोई कहता है बैंक मैनेजर, कोई कहता है बैंक सखी, अब है कि हम सबसे बात कर लेते हैं। पहले था कि मतलब मैं घूंघट में रहती थी, अब है कि घूंघट पर्दा नहीं है। गांव की पगडंडी, कस्बों, बाजारों से गुजरती हुई नाबार्ड की ये यात्रा जोड़ रही है समाज के वंचित व हाशिए पर खड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा से। नाबार्ड का ये अनवरत जारी सफर हमसे यही कह रहा, आओ मेरे साथ, हम साथ साथ छुएंगे नई मंजिलें खुशहाली और संपन्नता की। पीपर बरिया बाप मताई और नीम लगे भो जाई, बरिया बाप मताई और नीम लगे भो जाई, पीपर बरिया बाप मताई और नीम लगे भो जाई। सबसे बड़ी है बेन गुरार, सबसे बड़ी है बेन गुरार, भैया हरे पेड़ जिनका से प्यारो और निभुगा हल को सारो।
प्राणन से प्यारो और निवगा हलको मोरी बिनती बारंबार नाबाड की यही पुकार भैया हरे पेड़ जिनका तो